हाय फ्रेंड्स, मैं कार्तिक शाह। मेरी चैनल के ऊपर आप लोगों का बहुत दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेसिफिकली 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे चुके हैं और वैकेशन मना रहे हैं, वैसे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के साथ मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूं। आज के टॉपिक में मैं ऐसे 5 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि 12th बोर्ड की एग्जाम के बाद ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप ये कह सकते हैं दिस इज 5 एडवाइस और यू कैन से दिस इज 5 टिप्स फॉर योर बेटरमेंट। सो लेट अस स्टार्ट दिस विद लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत अभिवादन। आप लोगों ने 12th का एग्जाम दे दिया, माने अभी तो आपको लगता होगा हाश, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है। जब आप 10th में पढ़ते थे तब आप 12th के बारे में सोच रहे थे, जब आप 11th में थे तब से आपने तैयारियां शुरू कर दी थी और अब आपने 12th का एग्जाम क्लियर कर लिया और अभी आपका वैकेशन शुरू हो गया। यहां पे इस समय में ये जो सेशन मैं आपको देना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, अभी आप लोग यंग एडल्ट हो चुके हैं, माने 12th के बाद ये आपका जीवन का ये जो फेज ऐसा है जहां पे आप कंप्लीटली एडल्ट भी नहीं है बट एट द सेम टाइम आप एक छोटे बच्चे भी नहीं है। यू आर नॉट ए किड, यू आर नॉट ए टीनेजर। सो ये बीच का समय है, यू आर यंग एडल्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। ये एज में ये जो टाइम है इसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा होती है। सो यहां पे मैं आपको 2 टिप्स देना चाहता हूं कि आप अभी इस समय में, व्हेन यू आर यंग एडल्ट, आपको इस तरह से देखना चाहिए कि हाउ कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट टू माई फैमिली। देखो, अभी तक क्या है कि फैमिली ने, पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, और जब तक आप 12th में थे, अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल में थे, तो कंटिन्यूअसली पेरेंट्स ने ये सोचा कि वो आपको कैसे ज्यादा कंफर्टेबल रख सके और वो आपके लिए क्या कर सके। पर ये अभी जो समय की एक शुरुआत होने वाली है जिसमें आप ये देखो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने फैमिली में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसमें एक और टिप मैं देना चाहता हूं, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप जहां पे भी हो आप ये देखो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, क्योंकि ये टाइम अभी ऐसा आपकी लाइफ में शुरू हुआ है जहां पे लोग आपको कंसिडर करना शुरू करेंगे। अभी तक आप बच्चे थे पर आप नाउ यू आर एडल्ट, सो इट इज योर बिगिनिंग। सो अभी फैमिली या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई प्रोग्राम है या कहीं पे भी आप जाओगे, पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, पीपल विल स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम यू। सो अभी आपकी एक पहचान बनने की शुरुआत हो रही है, तब आपके अंदर ये एक एटीट्यूड डेवलप हो, टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, छोटी छोटी चीजों में आप जिम्मेदारी लेना शुरू करो, उसका बहुत पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा टाइम होता है जिसमें आप स्कूल कंप्लीट करके अब आप कॉलेज में एंटर हो रहे हैं। सो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसमें आपको अपने माइंड को, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करने का भी एक एंगल डेवलप करना है। जैसे स्कूल में अभी आप सीनियर थे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे तो आप स्कूल में सीनियर थे, लेकिन अब जब आप कॉलेज में जाओगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, तो आप वहां पे जूनियर होने वाले हैं। सो एकदम से जैसे आपका एक सेगमेंट चेंज हो रहा है, जैसे यू आर गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स, सो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले हैं। सो ये जो 2-3 महीने का समय है आपके पास, स्पेसिफिकली वैकेशन, उसमें आप अपने आप को इतना डेवलप करते जाओ ताकि ये ट्रांजिशन पीरियड में मैक्सिमम आपका ग्रोथ हो, इंटरनल ग्रोथ आई एम टॉकिंग अबाउट। सो फ्रेंड्स, माई सेकेंड पॉइंट इज योर एग्जाम्स एंड द रिजल्ट। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए आप कई टाइम से मेहनत कर रहे थे, और थोड़ा सा पीछे मोड़ के देखो कंटिन्यूअसली कब से आप पूरी तरह से पढ़ाई में लगे थे। मैं ये कहता हूं आपने एग्जाम्स के लिए जो मेहनत की, या पूरे साल जो आपके सब्जेक्ट्स सीखने के लिए जो मेहनत किया, वो आपके हाथ में था। पर एक बात समझ लो, जो भी करना था वो आपने कर लिया, अब जो रिजल्ट है ना वो आपके हाथ में नहीं है, इस सत्य को अभी से मानना शुरू कर दो। देखो, मैं यहां पे आपको डरा नहीं रहा हूं,
मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने मन को इस तरह से तैयार करो कि मेरा रिजल्ट जो भी आए वो मुझे स्वीकार्य है। रिजल्ट ही सब कुछ नहीं है, आपने कितने परसेंटेज कमाए वो ही सब कुछ नहीं है, आपको जो मेहनत करना था, सीखना था, वो कर लिया। सो आप रिजल्ट के आधार पे अपने आप को टैग ना कर ले। माने आपने एक्सपेक्ट किया था 90% पर अगर 80 आए, 75 आए, तो आपने कोई बहुत बड़ा लॉस कर दिया है जीवन में, ऐसा नहीं है। ये एक पड़ाव होता है और उससे अब बहुत आगे जाना है। सो रिजल्ट का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली है, पर इतना भी हम ज्यादा उसको कंसिडर ना करें ताकि हम अपने आप को बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे, परेशान होने लगे, कोई इमोशनली स्ट्रेस को पैदा कर ले या तो फिर कोई गलत कदम ले ले। देखो, ये स्थिति को समझ लो कि ऑफ कोर्स पेरेंट्स का या घर का या आसपास के लोगों का आपके ऊपर कोई अपेक्षा है, पर वो अपेक्षा से थोड़ा सा कम रिजल्ट आया तो कोई जीवन खत्म नहीं हो जाता है। अभी तो एक नए जीवन की शुरुआत हुई है। आपके अंदर जो स्किल है, आपने जो सीखा है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कई बार है ना, प्रार्थनाएं काम लगती है। सो अच्छी प्रार्थना करो कि आपका अच्छा रिजल्ट आए, पर वो ही सब कुछ है वैसा नहीं है। सो डोंट बी प्रेशराइज्ड। फ्रेंड्स, माय थर्ड पॉइंट इज योर करियर सिलेक्शन। अब देखो, दिस इज वेरी क्रूशियल डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक फॉर योर लाइफ। अभी जिस लाइन में आप एंटर होने वाले हैं उसी के आधार पे आपका करियर बनने वाला है। किस आधार पे आप अपनी लाइन चुनने वाले हैं, आप कौन सी लाइन में जाओगे, क्या बेस है? सब फ्रेंड्स जा रहे हैं इसलिए आप जा रहे हो, आपके पेरेंट्स कुछ आपको बोल रहे हैं इसलिए, या किसी का सक्सेस आपने देखा है कोई लाइन में, किसी को सक्सेस होते हुए, तो इसलिए आप उसमें एंटर हो रहे हो? किसी के प्रभाव में आके या बाहर के इन्फ्लुएंस से आप डिसाइड कर रहे हो? या दूसरा पॉइंट, आप जिस लाइन में जाने के लिए आप डिसाइड करते हैं उसमें आपका खुद का कितना रिसर्च है? आपके सामने 5-7-10 ऑप्शंस हैं, वो जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं उसका पूरा आपका स्टडी करो, लोगों से बात करो, सीनियर से बात करो, जिस लाइन में आप जाने वाले हैं उस लाइन में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं वैसे कम से कम 8-10-15 लोगों से बात करो। ये पूरा अपना रिसर्च के बाद आप डिसाइड करो। एक यहां पे मैं और एक टिप ऐड करना चाहता हूं। आप अपने आप को 5 साल के बाद कैसे, क्या देखना चाहते हैं, आप किस पोजीशन पे, किस एरिया में आगे जाके करियर को बनाना चाहते हैं, उसकी थोड़ी सी कल्पना करो, विजुलाइज करो अपने आप को, क्या वो आपको जच रहा है, ठीक लग रहा है, और फिर पूरा अपना होमवर्क के बाद आप डिसाइड करो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो आपके लिए बनाया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर है, योर पैशन एंड करियर सिलेक्शन। इसका मैं लिंक यहाँ पे देने वाला हूँ, ये वीडियो को आप जरूर देखिए, 12 मिनट का वीडियो है, वो आपको डेफिनेटली हेल्पफुल होगा ये डिसीजन लेने में कि कौन सी लाइन आपको सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर आप पैशन के आधार पे अगर कुछ सिलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसमें और ज्यादा सक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपको जो बनना है, जिस क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है, अगर वही लाइन का सिलेक्शन हुआ है तो वो बेहतर होगा। फ्रेंड्स, माय फोर्थ पॉइंट इज वैकेशन, योर वैकेशन। तो ये अभी कंप्लीटली जलसा करने का टाइम है, माने जस्ट अभी आपके कंप्लीट हुए हैं एग्जाम्स और अभी तो माइंड कंप्लीटली खाली हो रहा है, माने क्या करना वो पता ही नहीं है। सो आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आप कुछ भी करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप मोबाइल या इंटरनेट या पता नहीं फ्रेंड्स या पता नहीं बहुत कुछ, खाए जा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं, सोए रहे तो सोई रहे। सो ये एक टाइम जाएगा और वो एक रिलैक्स होने का टाइम है, वेंटिंग का टाइम है, वो हो सकता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन, ये चलेगा, चलने दो, उसमें कुछ नहीं करो, जस्ट बी, जो हो रहा है होने दो। पर फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें आपके मन में प्रश्न ये होगा, यार अब मैं क्या करूं, मुझे करना क्या है अब। एक बोर्डम का टाइम शुरू हो जाएगा वैकेशन के अंदर, और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। फ्रेंड्स देखो, अभी जो आपका वैकेशन है 12th के बाद,
वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है अपने जीवन में, क्योंकि ये जो वैकेशन मिलने वाला है 2 महीना 3 महीना, वो आपको कॉलेज में जाने के बाद फिर कभी नहीं मिलने वाला है। देखो यहां पे मैं कोई और ज्यादा एडवाइस नहीं देना चाहता हूं, पर 2 टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेशन में आपकी जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें आपसे कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको कुछ नया लर्निंग मिल रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग प्रोसेस कुछ हो रहा है क्या, आप कुछ नया सीख रहे हैं क्या? कैसे हो सकता है, आप एडवेंचर पे जाते हैं या समर कैंप्स अटेंड करते हैं या कुछ नया सीखते हैं या कुछ नया करते हैं, सो यू रियली हैव टू डू समथिंग। सो फर्स्ट इज लर्निंग प्रोसेस हो रहा है क्या, एंड सेकेंड थिंग ये टाइम होता है एक्सपीरियंस का। आर यू रियली एक्सपीरियंसिंग समथिंग, कुछ नए 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 डिफरेंट अनुभव मिल रहे हैं, ऐसा कुछ आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहां पे छोटा सा टिप देना चाहता हूं, कुछ ऐसा करो जो आपका पैशन है, माने ये समय में ये 2-3 महीने में कुछ ऐसा करो जो रियली आप करना चाहते हैं। अदरवाइज क्या होगा, 2-3 महीने ऐसे बीत जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा, बोर्डम के साथ चला जाएगा ये समय। सो दिस इज वेरी वैल्यूएबल टाइम फॉर यू माई डियर, एक्सप्लोर समथिंग, कुछ खोज के निकालो क्या लर्निंग है इसमें से, क्या आप सीखने वाले हैं, क्या एक्सपीरियंसेस पाने वाले हैं, एटलीस्ट आपका पैशन क्या है। पैशन मींस कुछ ऐसा है जो रियली लाइफ में आप करना चाहते हैं, उसको ढूंढ लो। एंड माय फिफ्थ एंड लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंटरनेट। 12th ओवर वेकेशन एंड इंटरनेट, घर में वाईफाई की स्पीड भी बहुत हाई हो गई है और अभी तो जियो का फोन आपके पास है, सब कुछ है, सो यू आर फ्री एंड योर इंटरनेट इज फ्री। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा टिप यहां देना चाहता हूं। इंटरनेट सर्च इंजिन, एक ऐसा सर्च इंजिन जिसमें आप दुनिया की कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं, दिस इज अमेजिंग, पर आप उसका उपयोग कैसे करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्लीटली अवेयरनेस के साथ, सजगता के साथ इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो बहुत कुछ आप इसमें से सीखने वाले हैं और बहुत कुछ आप सर्च करने वाले हैं, माने स्काई इज द लिमिट। पर अगर उससे उल्टा एक स्टेज आ जाता है कि फिर धीरे 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 यू आर ड्रिवन बाय द इंटरनेट, मीन्स इंटरनेट आपको ड्राइव करता है और आपका अवेयरनेस कंप्लीटली चला जाता है। कई बार मैंने ये देखा है कि आप अगर मोबाइल पे बैठे रहते हैं तो बैठे ही रहते हैं, आपको 3-4 घंटे कहाँ चले गए वो पता नहीं चलेगा, और एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आपको कहाँ क्या सर्च करना था और कहाँ घुस गए, और यू आर स्पॉइलिंग योर एनर्जी, योर टाइम एंड एवरीथिंग। सो इंटरनेट आपको उपयोग कर रहा है, आप इंटरनेट को उपयोग नहीं कर रहे हैं, माने ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें आप इंटरनेट के स्लेव बन जाते हैं। एक्चुअली हकीकत यह है कि इंटरनेट हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, पर कई बार हम उसके गुलाम बन जाते हैं। ये इस समय में होने के बहुत चांसेस हैं। देखो ये सर्च इंजिन आपको डेफिनेटली इंफॉर्मेशन दे सकता है, पर ये सर्च इंजिन आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकता है। सो ऐसा ना हो कि आप पूरा दिन घर में बैठे रहे या इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ सर्च करते जाए, वो सब कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा अप टू सम एक्सटेंट इट इज नेसेसरी, बट उसके बाद जो दुनिया का एक्सपीरियंस आपको मिलना चाहिए माय डियर, ये इसी समय में मिलने वाला है, सो वो मिस ना हो जाए। सो इंटरनेट का उपयोग भरपूर करो, लेकिन किस तरह से कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा अपना अवेयरनेस, फिर ऐसा ना हो कि पेरेंट्स आपको बोलते रहे इस बात के लिए, आपको ही थोड़ा सा अवेयरनेस के बारे में रखना है। तो सिर्फ सर्च इंजिन से सब कुछ नहीं हो जाता है, सर्च इंजिन में सर्च करते करते आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते, सो इंटरनेट का उपयोग कैसे करते हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको काम लगेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज योर आइडेंटिटी, नाउ यू आर बीइंग यंग एडल्ट। सेकेंड पॉइंट इज योर एग्जाम्स एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट। थर्ड पॉइंट इज योर करियर सिलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ पॉइंट इज योर वैकेशन, ये 3 महीना आप किस तरह से डट के इसका उपयोग करते हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेट।
इंटरनेट इज वेरी पावरफुल टूल इन योर हैंड, तो उसका बहुत अच्छे से उपयोग करके जीवन में आगे बढ़ो। और आपके कोई भी प्रश्न है, आपको लगता है कि कहीं पे मैं आपको हेल्पफुल हो सकता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली मैं उसका उत्तर दूंगा। अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है। तो बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सी यू, बाय बाय।